बापू एक बात हमने देखी, हम यहाँ भगवान के दर पर बैठे हैं और मंदिरों में भी आपने देखा होगा, हमारे देवी देवताओं में भी देखा होगा आपने, लोग भगवान के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, स्वार्थ के लिए जाते हैं और अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि भगवान हमें ये दे दो। भगवान राम से भी यही पूछते हैं, शिव भगवान से भी यही कुछ कहते हैं कि हमें कुछ दे दो। क्या आप इसे सही मानते हैं और कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जो कुछ मांगे बिना अपनी श्रद्धा से जाते होंगे? पहली बात तो यह है कि यह सर्वज्ञ है, अंतर्यामी, उसके पास मांग करके उसकी सर्वज्ञता का खंडन नहीं करना चाहिए। वो सब जानता है कि मेरे मन में क्या है। तो पहला मेरा विचार तो है कि कुछ मांगना नहीं चाहिए, फिर भी लोग यदि मांगना चाहे तो इंसान जब पूरा नहीं करता है तो भगवान के पास न जाए तो किसके पास जाए, क्योंकि ये बाप का बाप बैठा है, उसी के पास जाकर ही मांगे, अपनी झोली फैलाए, अपना दामन फैलाए। इसे आप स्वार्थ की भक्ति नहीं कहेंगे कि हम अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं? नहीं नहीं, कोई कोई भक्ति की मांग करे, कोई मोक्ष की मांग करे तो इसमें स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। लेकिन पहले तो मैं मांगने का विरोधी हूं, मुझे व्यक्तिगत आप कहे तो मैं यहाँ दर्शन किया तो मैंने कुछ नहीं मांगा। हाँ आप बताइए, अभी आपने दर्शन किया, आपके क्या विचार थे? आपने कुछ मांगा, आपने कुछ भगवान से वार्तालाप किया, क्या अनुभूति थी आपकी? नहीं, वार्तालाप करने का कोई चांस नहीं था, मैं दर्शन से भरपूर हो गया, लबालब भर गया, न बोलने की कोई जरूरत, न मांगने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि मेरे पास अक्षय पात्र है, मेरे पास कल्पतरु है, मेरे पास काम दुर्गा गाय है और इसकी रचना महादेव ने की है, रची महेश निज मानस राखा, तो मांगने का कोई सवाल ही। और यहाँ दर्शन कर मैं जब जब आया, मेरे मन में कोई और विचार आता ही, मैं केवल दर्शन से तृप्त हूँ, दर्शन और लोगों की आंखों में श्रद्धा का दर्शन करता हूँ कि क्या लोग इतनी कठिन यात्रा करके भी क्या निष्ठा है, क्या आस्था है, वो लेकर यहाँ आते, इनकी आंखों को पढ़ता। तो आपने मांगा कुछ नहीं? कुछ नहीं, आप कहो तो आपके लिए कुछ मांगू। आप तो सीधे जा भी नहीं सकते हैं, अगर आपके जरिए जाएंगे, आपके थ्रू जाएंगे तो शायद भगवान ज्यादा अच्छी प्रार्थना सुन पाएंगे। नहीं, नहीं, मेरे जरिए जाएगा तो किसी को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूर सही में मेरा सत्य प्रेम और करुणा लेकर मेरे साथ चलेंगे, पीछे चले ऐसा मैं नहीं चाहता, और मैं किसी के पीछे चलूं वो भी नहीं चाहता, हम सफर हो जाए, हमारे हमराही हो जाए, तो मेरे साथ इन तीन बात लेकर चलेगा, उसको कुछ मांगने की जरूरत। आप जो बात कह रहे हैं उससे मेरे मन में जो बात आ रही वो है गुरु को लेकर। गुरु जीवन में लोग कहते हैं बहुत आवश्यक है, एक गुरु जरूर होना चाहिए, और आप भी अक्सर गुरु के महत्व के बारे में कहते हैं कि या तो गुरु पे छोड़ दो और या गुरु को छोड़ दो, तो क्या गुरु बहुत आवश्यक है जीवन में, हर किसी का एक गुरु होना चाहिए? मैं व्यक्तिगत रूप में मानता हूं कि सदगुरु बहुत आवश्यक, बिना सदगुरु जो जाना चाहते हैं, मैंने कई लोग हैं जो गुरु को नहीं मानते, लेकिन इसमें अहम का उदय होता है, लेकिन किसी का सहारा लेकर जाने से हम सुरक्षित रहते हैं, तो मैं तो सदगुरु को मानने वाला आदमी, और मेरा ये कहना है कि या तो सदगुरु को छोड़ दो या सदगुरु पर छोड़ दो, दो ही बात। और सदगुरु यानी शिव, सदगुरु यानी राम, सदगुरु यानी हनुमान जी, सदगुरु मानी भगवान श्री कृष्ण, ये परम सदगुरु है। आपके मुताबिक शिव क्या है? शिव ब्रह्म है, शिव परमात्मा है, शिव भगवान है, शिव ईश्वर है, शिव त्रिभुवन गुरु है, शिव परम तत्व है। और हम शिव तक कैसे पहुंचे? देखिए, हम इतना ही कर सकते हैं कि हम केदारनाथ धाम आ गए, हमने दर्शन कर लिए, हमने पूजा कर ली, जिसने जो बताया हमने कर लिया, बट असल में उन तक कैसे पहुंचे, और हम अभी भी नहीं जानते कि हम अभी जो दर्शन करके आए भी हैं तो हम वहां तक पहुंचे भी हैं या नहीं। ये प्रक्रिया आंतरिक है, ये कोई स्थूल शरीर से कहीं पहुंचना नहीं है, ये भीतरी प्रक्रिया है, और जब हम
हमारे देश के इस द्वादश ज्योतिर्लिंग को ज्योति के रूप में देखते हैं, तो हम अंधेरा लेकर आए थे, प्रकाश लेकर जा रहे। प्रत्येक के अंदर एक शिवलिंग बैठा है, जो बाहर का घना अंधेरा, हमारा स्वार्थ, हमारे अनेक प्रकार के आशय, इस घने अंधेरे ने इस हमारे मूल स्वरूप को दबाए रखा है। तो यहाँ से ज्योति लेकर जाना है, तमसो माँ ज्योति गमय। बापू, आजकल जैसे मैंने गुरु की बात की, गुरु तो बहुत सारे हैं, लेकिन आजकल सब सोशल मीडिया वाले गुरु हैं, आजकल प्राइवेट जेट वाले गुरु हैं, आजकल उनके लिए जो पहले साधु संत जंगल में जाया करते थे, वन में जाते थे, अब उनका जो वन है वो सोशल मीडिया ही है। क्या ये गुरु हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं? नहीं, कौन क्या करता है इसमें मैं न जाऊं, सबके अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने मनीषा होती है, सब अपने अपने हेतु होते हैं, सबको प्रणाम। पर आजकल आप देख रहे हैं बहुत लाखों की भीड़ उमड़ कर जाती है अलग अलग बाबाओं के पास, और बहुत सारे गुरु धर्म गुरु ऐसे हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, वो बताते हैं आपके मन में क्या है आपको बता देंगे, भविष्य में क्या होने वाला है वो बता देंगे, आपकी कोई मनोकामना है तो उसको पूरा कर देंगे। उन्हें आप धर्म गुरु मानते हैं, उन्हें चमत्कार वाले गुरु मानते हैं? नहीं नहीं, ये प्रश्न मुझे ना पूछिए, उसी को ही पूछिए, वो अपने आप को क्या कहते हैं। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं केवल मुरारी बापू, विशेषण मुक्त, न कोई आगे न कोई पीछे, मैं मुरारी बापू हूं और दुनिया को प्यार करता हूं। आपके भक्त जब आपके पास आते हैं, आपके अनुयायी जब आपके पास आते हैं, क्या वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप उनके मन को पढ़ लेंगे, आप उनकी जीवन की परेशानियों को पढ़ लेंगे और फिर उसको दूर कर देंगे, उनको जो भी तकलीफ है उसे आप दूर कर देंगे, या आप किसी ज्योतिषी की तरह उनका हाथ पढ़ लेंगे, माथा पढ़ लेंगे और बताएंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है? नहीं नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं केवल मोहब्बत जानता हूँ। मेरी व्यासपीठ से मोहब्बत करेगा वो भर जाएगा, क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। न मैं भविष्यवेता हूँ, न किसी की मन की जानता हूँ, ये सब अपने आप दौड़े आते हैं। न हमारा कोई नेटवर्क है, न हमारा कोई मंडल है, न हमारा कोई ग्रुप है, मैं और मेरी पोथी, हम दोनों घूम रहे हैं।